नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा प्यारा सा YouTube चैनल स्टडी प्लस में। दोस्तों पहले आप लोग हमको कमेंट करके ये बताओ कि आप लोगों का हिंदी विषय का तैयारी कहाँ तक अभी तक हुआ है, आप लोग बताओ, क्योंकि मैं कल से आप लोगों को हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मैं देने वाला हूँ और साथ में उसका PDF भी आप लोगों को मैं परचेज करा दूंगा ग्रुप की मदद से। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों का हिंदी का तैयारी अभी तक कहाँ हुआ है, और जो आज मैं आपको हिंदी का क्वेश्चन बता रहा हूँ ना उसको एकदम दिमाग में डाउनलोड कर लेना, यानी कि याद कर लेना और दिमाग से कभी भूलना मत, ठीक है बाबू। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोग बता देना कमेंट में कि कहाँ तक आपका अभी तक तैयारी हुआ है हिंदी का, ठीक है। ज़रूर बताना क्योंकि कल से मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देने वाला हूँ, ठीक है। देखो ये कल का क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कि भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी, तो देख लो यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी। अगर कोई पूछे कहाँ हुई थी तो बता देना दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर? तो दिल्ली में हुई थी भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है, यानी कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक है, तो हम बोलो बोलेंगे बाबू क्या बोलेंगे, भीमराव अम्बेडकर, बोलो हाँ या ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। क्या होगा? भीमराव अम्बेडकर जी होंगे, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन है आप लोगों का तीन नंबर क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है, नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी, बाबू याद रखो नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है बीस के दांत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, बीस के दांत जो है ना वो नलिन बिलोचन शर्मा जी की कहानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू चार नंबर कि सेन साहब किस कहानीकार के पात्र हैं, यानी कि सेन साहब किस कहानीकार के पात्र हैं, तो याद रखना ये बीस के दांत के ही हैं, यानी कि बीस के दांत में जैसे बहादुर, बीस के दांत में मदन हो गया, कासू हो गया, गिरधर लाल हो गए, सेन साहब, ये सब कहानी के पात्र हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है बीस के दांत, हम लोग बीस के दांत पर टिक लगाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है बाबू अगला क्वेश्चन है आप लोगों का पाँच नंबर कि भारत से हम क्या सीखें किस साहित्यिक विद्या में है, भारत से हम क्या सीखें किस साहित्यिक विद्या में है, तो भारत से हम क्या सीखें यह एक प्रकार का लेक्चर है, लेक्चर मतलब क्या, भाषण है बाबू, भाषण है, और यह भारत से हम क्या सीखें यह किसके द्वारा लिखा गया है भाषण, तो आप लोगों को पता होगा मैक्स मूलर, क्या, तो मैक्स मूलर, और मैक्स मूलर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, कब हुआ था कमेंट करके आप लोगों को बताना काम है। अगला क्वेश्चन है छः नंबर कि कौन सी भाषा सभी भाषाओं में अग्रजा है, देखो कौन सी भाषा जो सभी भाषाओं में मतलब कि अग्रजा है, तो हम लोग बोलेंगे संस्कृत, संस्कृत तो हमारी प्राचीनतम भाषा है ना, तो हम संस्कृत को कैसे भूल सकते हैं, बिल्कुल नहीं भूल सकते, हमारा प्यारा सा भाषा संस्कृत भी है। अब देखो अगला क्वेश्चन बाबू अगला क्वेश्चन है आपका सात नंबर नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया, बाबू याद रखो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के समक्ष एक छोटी बेटी ने पूछा था लेखक से कि दादाजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, उन्होंने डायरेक्ट यह प्रश्न कर दिया था छोटी बेटी ने, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बाबू अगला क्वेश्चन है नाखून मनुष्य का क्या है, तो बाबू याद रखो नाखून मनुष्य का प्राचीनतम हथियार है, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल है, क्योंकि पहले के ज़माने में नाखून ही हमारा अस्त्र शस्त्र था, और नाखून से ही हम लोग जो भी अपने ज़रूरतमंद को पूरा करते थे वो नाखून से ही करते थे, और आजकल के ज़माने में भले देखा जाए तो नए नए अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हो गया, लेकिन उस समय कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं था नाखून के अलावा, लेकिन फिर भी देखो आज मनुष्य उसी नाखून को अपने शरीर के अंग से हटाना चाहता है जिससे वो ज़रूरतमंद पूरा करता था, आज उसी को अपने मतलब कि अपने आप से अलग करना चाहता है, ठीक है। ये मतलब कि सोचने वाली बात है, अगर नहीं हटाएंगे नाखून को बढ़ते रहने देंगे, बार बार नहीं काटेंगे, तो हम उस नाखून की वजह से बीमार भी पड़ सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग पाठ जरूर पढ़ना, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन बाबू कि उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं, उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं, तो बाबू 9 का आंसर क्या होगा, 9 का आंसर होगा देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं, उत्तर भारत की जो नागरी लिपि है ना वो देवनागरी लिपि के अंतर्गत ही आती है, ठीक है।
अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है। महमूद गजनवी द्वारा जो चलाया गया सिक्का था वो किस लिपि में लिखा गया था, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो बाबू बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। कहाँ से, नेपाल, छोटा सा देश, नेपाल से भाग कर आया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बाबू कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे। रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपये खो गए थे, 11 रुपया, यहाँ पर देख सकते 11, ऐसे आप लोग लिखते हो ना 11, तो 11 रुपये रिश्तेदार की पत्नी के खो गए थे। अगला क्वेश्चन है कि दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है। ये तो हम लोग ऐसे ही बता सकते हैं, बिना याद किए भी इसका आंसर बता सकते, अधम होता है, और से मतलब कि अधम, ठीक है। तो दूसरों की नकल कर लिखा गया सही तो हमेशा अधम ही होता है। अगला प्रश्न है आपका कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला था। तो मैंने बताया था ना 27 साल के उम्र में संगीत पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1938 में हुआ था, 1938 में हुआ था, और 27 साल की उम्र में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, ठीक है। और 54 वर्ष के उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। तो आप लोग देख लेना कि कब मृत्यु हुई, जब 54 वर्ष के उम्र में मृत्यु हुई तो 1938 में 54 जोड़ देना, देख लेना लगभग 1992 शायद आएगा, ठीक है। अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अभिनयों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी। अभिनयों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी बाबू, याद रखो अभिनयों में लेखक ने लगभग, हाँ वेरी गुड, लगभग 35 कविताएं लिखी। लगभग क्या, मैंने पूरे 35 कविताएं लिखी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मछली किस प्रकार की कहानी है। हम लोग जानते हैं मछली पार्ट एक प्रकार का कहानी है, लेकिन कहानियों में यह सामाजिक कहानी है। क्या है, तो एक सामाजिक कहानी है मछली, क्या तो एक सामाजिक कहानी है, ठीक है, समझ रहे हो ना बाबू। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के मामा का क्या नाम था। बिस्मिल्लाह खां के मामा जी का क्या नाम था, तो उनके मामा जी का नाम था बाबू सादिक हुसैन। आप लोग समझते हो कि खां वो भी होंगे, नहीं, सादिक हुसैन होंगे, सादिक हुसैन, ठीक है। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। तो बाबू याद करना, भारतीय संस्कृति ऑप्शन नंबर डी होगा, विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है। बहुत लोग करेंगे कहेंगे ना कि सर जी एकता का, आजकल एकता है, नहीं है, विविधता है, वो भी नहीं है, क्या मानवता है, नहीं मानवता नहीं है, एक सामने आपका मनुष्य दूसरा पानी बिना तड़प रहा है, आजकल के ज़माने में कोई पानी भी नहीं देता है, तो हम कैसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, इसलिए हम देंगे ऑप्शन नंबर डी को, विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, अगला क्वेश्चन कहता है आपका 19 नंबर प्रश्न कहता है कि गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है। गुरु नानक बिना, देखो जी गुरु नानक जी कहते हैं कि अगर आप मनुष्य के जीवन में जन्म लिए हैं और जन्म लेने के बाद यदि आप राम नाम के नाम नहीं लेते हैं तो आपका जीवन व्यर्थ है। इसका मतलब कि गुरु नानक के अनुसार राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ चला जाता है। आप जन्म लिए हो तो ज़रूर एक ना एक दिन क्या, डेली आप लोग राम का नाम लो, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम, जय कृष्ण, ऐसे नाम लेते हैं ना, तो राम नाम के हम लोग नाम लेते हैं, सब कोई लेता है, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, गुरु नानक किस भक्तिधारा के कवि हैं। गुरु नानक किस भक्तिधारा के कवि है, तो बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्गुण भक्तिधारा के, निर्गुण भक्तिधारा के वो कवि है। गुरु नानक किस भक्तिधारा के कवि है, तो निर्गुण भक्तिधारा के कवि है। अगला प्रश्न बाबू है कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है, कौन सी कृति रसखान की नहीं है। तो बाबू यहाँ पर 21 यानी कि 21 का आंसर होगा सिर्फ अष्टयाम, अष्टयाम जो है ना वो रसखान की कृति नहीं है, बाकी सब तो है, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, प्रेम फुलवारी, ठीक है, जो कृष्ण राधा से संबंधित मिलता है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि घनानंद किस काल के कवि हैं। घनानंद किस काल के कवि है, तो घनानंद तो हो जाएंगे रीति काल के, क्या किस काल के, तो रीति काल के हो जाएंगे, ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन अति सुदो, देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझो, अति सुदो स्नेह कुमारक शीर्षक सभ्या किनकी रचना है, किनकी रचना है। तो बाबू मेरे प्यारे, मेरे सोना बाबू, सोना बाबू, यहाँ पर देखो आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला घनानंद, क्या होगा, सी नंबर होगा घनानंद। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, प्रेमदन किस युग के कवि है।
प्रेमदंत किस युग के कवि है, तो भरतेंदु युग के होंगे। 24 का आंसर क्या होगा, भरतेंदु युग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। ठीक है मेरे बाबू, मेरे प्यारे, मेरे सोना, सब देखो यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन, पंत जी का भारत माता कहाँ की निवासनी है, तो गांव की निवासनी है बाबू। कहाँ की, गांव की, कभी कभी ग्राम्या भी दे देता है, ग्राम्या का मतलब गांव ही होता है बाबू, ग्राम्या का मतलब क्या होता है, गांव ही होता है। तो पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासनी है, तो गांव की निवासनी है। अगला क्वेश्चन है कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। बाबू इधर सुनो, मेरी बात सुनो, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है, तो 26 का हम लोग आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ओज एवं राष्ट्रीय चेतना यही होगा, बिल्कुल होगा जी। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है, तो ध्यान से देखो, अपना ध्यान यहाँ पर देखो, मिलन यामिनी जो है ना, वो अज्ञेय की कृति नहीं है। अब दोस्तों अज्ञेय का पूरा नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो कह देना सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय, ये उनका पूरा नाम होता है, ये उनका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है, शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है। बाबू प्यारे लाल यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए होगा उपन्यास, क्या होगा उपन्यास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 21 यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुंवर नारायण कैसे कवि हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण कैसे कवि है, तो संवेदनशील, आंसर क्या होगा बाबू, आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, संवेदनशील। कुंवर नारायण कैसे कवि है, तो संवेदनशील कवि है। आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा बाबू क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अच्छे से देख लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है अब देखो अगला क्वेश्चन इसी दुनिया में किसकी कृति है। इसी दुनिया की अगर हम बात करें बाबू, अगर हम इसी दुनिया की बात करें, तो वह कृति है वीरेंद्र डंगवाल जी होंगे। अगला क्वेश्चन है, चौखट में बेटे को क्या नहीं आड़ता, तो ऑप्शन नंबर ए होगा क, जो कि हम लोग पढ़ाई की शुरुआत यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक दो याद नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग क ख ग घ अंग याद करते हैं। ये हम लोगों का हिंदी का और मतलब कि अक्षर मतलब बचपन का, हम लोग यहीं से पढ़ाई शुरुआत करते हैं बचपन में। ठीक है, के से ख जिस से ग ऐसे ये स्टार्ट करते हैं ना, अभी आप लोग अपने घर में छोटे बच्चों को पढ़ाते भी होंगे। ठीक है अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लौट कर आऊँगा फिर कविता का वर्ण्य विषय क्या है। बाबू 32 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखो 32 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, बंगाल की प्रकृति, आंसर क्या होगा बंगाल की प्रकृति। अगला क्वेश्चन है जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है, तो बंगला क्या होगा बाबू, बंगला भाषा तो आपको आता नहीं होगा, नहीं आता है ना, मेरे को भी नहीं आता है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन है आपका है 34 नंबर क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है, तो 34 का बाबू हम लोग आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए गीतात्मक। ठीक है ऑप्शन नंबर ए को देंगे गीतात्मक। ठीक है अगला क्वेश्चन है 35 नंबर की दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। दिनकर यानी कि दिनकर का फुल नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था, तो उर्वशी, आंसर होगा उर्वशी। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में धुई मुई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो बाबू धुई मुई शब्द का प्रयोग जनता के लिए किया गया है, ये नहीं कि अपनी बेटी के लिए, नहीं तो पड़ोस की बच्ची के लिए, फिर समाज के किसी बच्ची के लिए, नहीं जनता के लिए धुई मुई शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए, तो जनता के लिए किया गया है, जनता। ठीक है अब देखो अगला क्वेश्चन है मंगमा क्या काम करती थी, तो बाबू ये आपके हिंदी वर्ण का क्वेश्चन है। मंगमा दही बेचने का काम करती थी वेंकटपुरम, यानी कि बंगलोर के वेंकटपुर में वो दही बेचा करती थी। अब देखो अगला क्वेश्चन, मंगमा थी, तो मंगमा दोस्तों एक अंधविश्वासी थी। मंगमा क्या थी, तो 38 का आंसर होगा अंधविश्वासी, मंगमा एक अंधविश्वासी महिला थी। ठीक है अब देखो अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर हो गया ना, हाँ 39, अरे यार क्या हो बात है, 38 के बाद से 39 आएगा, मैंने 40 बोल दिया। अब देखो 39 नंबर, सातकोड़ी होता किस साहित्यकार के कवि है, सातकोड़ी होता किस साहित्यकार के कवि है, तो उड़िया क्या होगा, उड़िया बाबू होगा, उड़िया, ठीक है, सातकोड़ी होता, एक मिनट, उड़िया भाषा के होंगे, हाँ उड़िया ही होंगे, पंजाबी मराठी गुजराती नहीं होंगे, उड़िया होंगे, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 40 में, ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था, ज्योतिषी ने मंगू के बारे में कहा था कि आने वाले अगहन के महीने में मंगू अच्छी हो जाएगी, ठीक है, आने वाले अगहन के महीने में मंगू क्या हो जाएगी, तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, जैसे वो अच्छी हो गई वैसे ही वो भी अच्छी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पहले दिन पपत्ति को क्या हुआ था, तो पहले दिन पपत्ति को तेज बुखार हुआ था, क्या हुआ था, बुखार हुआ था ना बाबू, क्या हुआ था, बुखार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कि गायिका कौन है, धरती कब तक घूमेगी कि नायिका, यहाँ पर नायिका पूछ रहा है, मैंने गायिका आप लोगों को बता दिया, तो आंसर क्या होगा, सीता। धरती कब तक घूमेगी उस पाठ की, उस कहानी की जो नायिका है वो है सीता, कौन है बाबू, तो सीता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हिमालय शब्द में, हिमालय शब्द कौन से संज्ञा है, आप ही लोग बताओ कि हिमालय में कौन सा संज्ञा होगा, हिमालय कौन सा संज्ञा है, तो ध्यान रहे यह व्यक्तिवाचक है, क्यों व्यक्तिवाचक है, क्योंकि दोस्तों व्यक्तिवाचक उसे कहते हैं जिसमें किसी खास व्यक्ति या फिर खास वस्तु का बोध हो, जैसे हिमालय, हिमालय अब हिमालय पर्वत होता है तो किसी खास चीज़ का नाम है हिमालय, हर चीज़ को हम लोग हिमालय थोड़ी ना बोल सकते हैं, इसलिए आपका हिमालय व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मैं रामायण पढ़ता हूँ इस वाक्य में मैं कौन सर्वनाम हूँ, तो देखो मैं रामायण पढ़ता हूँ, ता हूँ है, इसका मतलब कि लड़का पढ़ रहा है या फिर कोई मतलब कि पुरुष पढ़ रहा होगा, ठीक है, अगर ती रहता तो लड़की पढ़ रही होती, तो यहाँ पर ता है यानी कि लड़का का यहाँ पर होगा, तो यानी कि पुरुष होगा, यानी कि पुरुष यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है, मैं रामायण पढ़ता हूँ यानी कि पुरुष है, अगर आपका रहता लड़की तो वो नहीं होता, ठीक है, ती रहता तो होता नहीं, ठीक है। अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन, स्वर्ग का विशेषण क्या होगा, मेरे लाल मेरे सोना मेरे लाडले, 45 नंबर का आंसर क्या होगा बाबू, हाँ स्वर्गीय होगा, स्वर्ग का विशेषण क्या होगा, स्वर्गीय हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, राम ने रावण को मारा इस वाक्य में कौन दो कारकों के चिन्ह है, तो पहले राम ने, तो कर्ता ने, एक तो होगा कर्ता, आपको याद ना कर्ता आठ प्रकार के होते हैं, कारक आठ प्रकार के होते हैं, कर्ता ने कर्म को, करण से अपदान, ये सब आपको याद है ना, तो पहला राम ने, तो ने आया यहाँ पर दो कारक है, एक तो ने है, तो राम कर्ता ने, कर्ता ने, और दूसरा आपका क्या होगा को, तो कर्म को, तो एक कर्ता होगा और दूसरा का आपका क्या होगा, दूसरा आपका होगा कर्म, तो ऑप्शन नंबर ए वाले को ध्यान से देखो, कर्ता और कर्म यही हो जाएगा, क्योंकि कर्ता आपको ने में मिलेगा, कर्म आपको को में मिलेगा, समझ रहे हो ना। तो बाबू जरूर आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है या फिर कोई भी मतलब कि इस विषय का तैयारी अभी तक कहाँ पर हुआ है, क्योंकि कल से मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देने लगूंगा, ठीक है, तो जल्दी से बाबू कमेंट करके बताओ, देरी मत करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठोको, और आज दोस्तों आप लोगों का क्लास 7:15 से लाइव चलेगा डिजिटल बोर्ड पर, ठीक है, तो आज आप लोग शाम को आना ज़रूर क्लास करने, शाम को 7:15 में, ठीक है, सभी बच्चे, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और तोड़ दो बटन सब्सक्राइब वाले को, ठीक है बाबू, चलो।